मीर से पूछते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है इस बारे में वजाहत फरमा दें पांच चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं नंबर एक सोना चांदी तिजारती माल तिजारती माल का मतलब आपने बेचने के लिए क्या क्या ख़रीदा है और चौथी चीज़ कैश रकम कैश आपके पास कितना है पांचवी चीज़ ज़रूरत से जायज़ सामान यानी आपके पास कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होता तो ये यूँ कहा जाएगा ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये पाँच चीज़ों का मजमू या चार या तीन या दो या इनमें से कोई एक इनका मजमू या इनमें से कोई एक या दो ये मिला के अगर ये साढ़े बावन तोला चांदी के बराबर आपके पास है साढ़ा साढ़े बावन तोला चांदी तकरीबन चालीस पैंतालीस हज़ार के लगभग चलती है तो वो आप रेट देख लीजिएगा बकर वाले दिनों में तो साढ़े बावन तोला चांदी के बराबर मालियत की अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप पर कुरबानी वाजिब है बकरद के तीन दिनों में ये अगर इतनी मालियत की आपके पास रहती हैं तो कुर्बानी वाजिब है वरना वाजिब नहीं है अलबत् इसमें एक तफसील ये है कि बकर के दिनों में अगर आपके पास इतनी मालियत की चीज़ें मौजूद हैं तो यानी चालीस पैंतालीस हज़ार के लगभग कैश अमाउंट है या सोना है इतना या चांदी है या दो तीन चीज़ें मिला के हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है लेकिन पहले आप अपने ज़रूरी खर्चे उससे माइनस करेंगे मिसाल के तौर पर जो राशन है या गैस बिजली का बिल है यानी मिसाल के आपने अगर आपको ये ख़तरा है कि हम आपने कुर्बानी की तो पूरे महीने का फिर राशन ही घर में नहीं खरीद सकते आप या गैस बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो जाएगा तो गैस बिजली का बिल या राशन वगैरह जैसे ज़रूरी खर्चे या कर्जा आपके ऊपर है वो माइनस करके इतना बच रहा हो साढ़े बावन तोले चांदी के बराबर बच रहा हो तो फिर आप पर कुर्बानी लाजिम है वरना लाजिम नहीं है अच्छा ये भी जहन में रखें कुर्बानी करना वाजिब है क्योंकि रसूल वसलम ने फरमाया मऊतम़लाबन मसलाना जिसके पास गुंजाइश हो क़ुरबानी करने की फिर भी वो कर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह में के करीब भी ना फटके